अदालत ने मियां शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी, हुकूमत ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसी बारे में बात करते हैं और अब नए केसेस खोलने की भी बात की जा रही है। सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, इसी दौर हुकूमत में शहबाज शरीफ पहले भी दो दफा गए, वापस आ गए, अब अदालत ने उनको मेडिकल चेकअप फॉलोअप के लिए जाने की इजाजत दी, लेकिन इस मरतबा उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि उनका नाम ECL में भी नहीं था। तो क्या हुकूमत को कोई इंफॉर्मेशन थी कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, या फिर इनके बयानियों को ठेस पहुंचती है इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा शहबाज शरीफ को? देखिए, मेरी जो राय है उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं जाने दिया गया कि पता था कि ये जाएंगे तो वापस जरूर आएंगे, और वापस जब आएंगे तो फिर अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएंगे, तो इसलिए उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो शहबाज शरीफ साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि सिर्फ इस हुकूमत के दौर में नहीं, दो दफ़ा वो जाके वापस आए, बल्कि इससे पहले भी वो जब भी गए हैं वो वापस ज़रूर आए हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है। देखिए, हुकूमत ने इस वक्त किन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, ये कौन लोग हैं? एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आप जानते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब के जो स्कूल ऑफ थॉट है उसी के हामी हैं, ये रिकॉन्सिलिएशन के हामी हैं। तो इसी तरह दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया हुआ, वो भी रिकॉन्सिलिएशन के हामी हैं। ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए समझा जाता है कि ये मुज़ाहमत के हामी नहीं है, ये लड़ाई के हामी नहीं है। ये कहते हैं मुफाहमत करो, ग्रैंड नेशनल डायलॉग करो। तो जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलजुल के चलने का हामी है, मुफाहमत की बात करेगा, वो इमरान खान साहब के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इनको बाहर नहीं जाने दिया गया, कहीं शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएं, नवाज शरीफ साहब को मिलें और वहां से कोई उनसे नई कमिटमेंट लेके ना वापस आ जाएं, कोई उनको किसी चीज पे मना ना लें। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए अब हुकूमत ने डेस्परेशन में हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलने का ऐलान कर दिया है। अब देखें, वो केस जो है उसका हाई कोर्ट से भी फैसला हो चुका है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो चुका है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसको डिसमिस कर दिया बल्कि उसमें जो रिव्यू पिटीशन थी वो भी 2018 अक्टूबर में वो भी डिसमिस हो चुकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत कैसे ये दोबारा सारे केस खोलेगी, लेकिन एक बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत तो उनको अपने लिए ज्यादा खतरनाक समझती है। इस टग ऑफ वॉर में आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो हुकूमत ने चैलेंज भी करने का ऐलान कर दिया है कि ये पहले वर्किंग डे पर इनके बाहर जाने का फैसला चैलेंज करेंगे, शहबाज शरीफ आपको लगता है कि बाहर जा पाएंगे और वापस आने की जो रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं और साथ लाने की बात कर रहे हैं, कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता था जो वो बैग में अपने साथ वापस लेके आते जिससे हुकूमत मुमकिन तौर पर जरा खौफजदा हो गई? देखिए, एक तो वो शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि PDM जो है उसकी जो पार्टियां नाराज़ होकर चली गई हैं उनको वापस लाया जाए। तो एक तो वो ये चाहते थे कि वो जाते नवाज शरीफ साहब से बात करते, उनसे वो मैंडेट लेके आते कि जी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं ईद के बाद जो PDM की जो पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और ANP, तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर उनको वापस लेके आऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब करना चाह रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि दरमियानी रास्ता, क्योंकि देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी और ANP वापस आएगी तो फिर उनको साथ लेके अगर चलना है तो कुछ आप उनकी मानेंगे ना, कुछ अपनी मनवाएंगे, कुछ उनकी मानेंगे। तो उनका जो बयानिया है वो क्या है, वो ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट के अंदर रह के आप लड़ाई जो है उस पर भी फोकस करें, ठीक है, सड़कों पर भी लड़ाई करें लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रह के भी लड़ाई करें। तो पार्लियामेंट के अंदर रहकर कैसे लड़ाई होगी? तहरीक अदम एतमाद। तो वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करें पंजाब में भी और मरकज में भी, लेकिन ये बात क्लियर है कि ऐसी किसी भी सूरत में किसी भी मूव जब भी वो करना चाहते हैं तो उसमें शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर आपने अपोजिशन की सियासत करनी है तो वो सड़कों पे भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर भी होगी, और पार्लियामेंट के अंदर जब होगी तो फिर जो पीपल्स पार्टी और ANP चाहती है के मरकज में और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो उस सिलसिले में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाके तो नवाज शरीफ साहब से, इसहाक डार साहब से और भी वहां बहुत से लोग हैं उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। और
तो ये हुकूमत को इस चीज का अंदाजा था और शायद इसलिए हुकूमत ने उनको बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब का मेडिकल चेकअप पाकिस्तान में भी हो सकता है और जो उन्होंने वहां पे लंदन जाकर करना था वो पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि एक तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे। अच्छा, ये भी खबरें थी कि वजीर आजम के रफका ने उन्हें कहा है कि अब जरा कन्फ्रंटेशन कम करें अपोजिशन के साथ और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। अब जिस तरह शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब आके बातें कर रहे थे, ऐसा लगता है कन्फ्रंटेशन कम होने वाली नहीं है आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में? बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन कम नहीं होगी। और देखिए, आज से ठीक 20-25 दिन के बाद, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में बजट पेश होना है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, और बजट का पूरा सेशन जो है वो चलेगा। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उसने भी हुकूमत को चैलेंज किया हुआ है, और अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एफर्ट से कौमी असम्बली के अंदर पीडीएम की जमातें दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं तो आप देखें कितना टफ टाइम देंगे। इसीलिए मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत भी जो है वो बहुत सख्त मौकफ इख्तियार करने वाली ऑपोजिशन के साथ, और ऑपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे ज़्यादा सख्त होगा। दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, ईद का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही ईद ख़त्म होगी और बजट का इजलास शुरू होगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में वो हाहाकार मचेगी, वो यहाँ पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और वो गर्मा गर्मी होगी कि जो जून जुलाई की गर्मी और हवस है आप उसको भूल जाएंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।